हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जिस लिए उनके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसमें थर्ड 13 चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है वेदर। ठीक है, इसमें मेनली हम वेदर की ही बात करेंगे। वेदर का मतलब जो एक एटमोस्फेरिक सिचुएशन जो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वेदर और क्लाइमेट के का डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वेदर एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब, डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि जो बार बार चेंज होते रहे, तो इसको हम वेदर कहते हैं। ये कैन नॉट बी जनरलाइज। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिए हम कोई रूल नहीं बना सकते। इसको जनरलाइज एज अ जनरल, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट वैसा है, मतलब यहाँ पे ये रेनफॉल वाला क्लाइमेट है या फिर यहाँ पर हम डेजर्ट वाला है, तो ऐसा हम सिचुएशन यहाँ पर नहीं कह सकते। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा डायनामिक होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि आप अगर ब्रिटेन में जाएंगे, इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड का जो कहते हैं ना कि इंग्लैंड में कोई क्लाइमेट ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एकदम फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम पर वहां पर क्लाइमेट चेंज होता है। अभी तुरंत बारिश होगी, तुरंत धूप हो जाएगी, फिर बारिश, फिर धूप, इस तरीके से वहां का कोई एक फिक्स्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इंग्लैंड हैज नो क्लाइमेट, इट हैज वेदर। इंग्लैंड के पास कोई क्लाइमेट ही नहीं है, वेदर ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वही क्लाइमेट क्या हो जाएगी, वेदर को उल्टा हो जाएगी, स्टैटिक होता है और ये लॉन्ग पीरियड होता है, करीब ये 35 ईयर्स तक लॉन्ग पीरियड को लिया जाता है। ये होता है एवरेज ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसोलिडेटेड टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम होगा और वो टाइम क्या होगा, मिनिमम 35 ईयर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एवरेज एटमोस्फेरिक कंडीशन इस 35 ईयर्स में जो एवरेज एटमोस्फेरिक कंडीशन होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे इंडिया की क्लाइमेट क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन क्या पूरे होल इंडिया में ही मानसून टाइप की चीजें हैं? नहीं है ना। राजस्थान अब ये कच्छ रीजन में चले जाइए, वहां पर बारिश इतनी कम होती है कि हम उसको नहीं कह सकते मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो यानी कि एक क्लाइमेट में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो उस वेरिएशन जो होते हैं ना छोटे छोटे रीजन में, हिमालयन स्टेशन चले जाइए, अलग रीजन मिले गए वहां पर, फिर डेजर्ट में चले जाइए, रेगिस्तान वगैरह जो आपको राजस्थान और कच्छ वाले रीजन में मिलेगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक क्लाइमेट में कई तरीके के वेदर हो सकते हैं, उनको मिला के ही हम एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको कहते हैं हम क्लाइमेट। तो अब इसके बाद क्लाइमेट और वेदर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि क्लाइमेट कैसा है या फिर वेदर कैसा है, उसके डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर होने चाहिए, वो फैक्टर हम पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स, पहला है रेनफॉल, रेनफॉल, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, सन एंड क्लाउड्स। क्लाउड्स इसमें मैंने क्लाउड्स नहीं लिखा है, अभी मैं ये जब हो जाएगा तो लिखूंगा। क्लाउड्स के अलावा भी कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं, हेज वगैरह, स्नोफॉल वगैरह जो होता है वो हम देखेंगे उसके बाद। देखिए रेनफॉल, तो रेनफॉल मेनली क्या होता है, ये वाटर, जब वाटर गिरता है ना ऊपर से, इसको हम कहते हैं रेनफॉल। इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन में रेनफॉल भी आता है, यानी कि जब पानी वाटर के फॉर्म में गिरेगा, बर्फ के फॉर्म में गिरेगा, या फिर जो स्नो फ्लैक्स होते हैं ना, रूई टाइप के होते हैं, वो भी गिरते हैं, तो ये सब की सब प्रिसिपिटेशन में आ जाएगा। उसका एक टाइप है रेनफॉल, जब वाटर के फॉर्म में बारिश होती है। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है रेन गॉज, ये GUAGE, इसको रेन गॉज कहते हैं। इससे मेजर किया जाता है रेनफॉल, कहते हैं कि रेनफॉल इतना सेंटीमीटर हुआ, इतना मिलीमीटर हुआ, तो मेजर किया जाता है इसके हिसाब से। अब कैसे ये मेजर किया जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है जिस लिए हमें, इस तरीके से वो इसमें ये इक्विपमेंट्स लगते हैं, इस तरीके से वो आपके काम ही क्या नहीं है। अगर आप, हाँ, अगर आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं देन ये आपके काम का है। ठीक, तो वो आप जाके पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि मुझे, आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम का नहीं है, और मुझे आता भी नहीं है कि ये कैसे मेजरमेंट किया जाता है। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उसको पढ़ाने के लिए, और वो आपके किसी काम का भी नहीं है, तो किसी मतलब भी नहीं है। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, काफी इजी वे में उसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोहाइट का। आइसोहाइट का मतलब होता है वो एरियाज जो इक्वल रेनफॉल वाले एरिया होते हैं उनको मिलाने में एक लाइन, जैसे होती है ना, जैसे हम क्या करते हैं कि अर्थ का जो ग्लोब है उस पर हम जैसे लैटिट्यूड खींचते हैं ईस्ट टू वेस्ट।
ठीक है, उसी तरीके आता है आइसो आइसो हाइट एक लाइन होती है जो इक्वल रेनफॉल वाले एरिया को मिलाती है। मान लीजिए यहाँ कोई रेनफॉल अगर 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पर अगर रेनफॉल 10 सेंटीमीटर हो रहा है तो इक्वल रेनफॉल वाले एरिया है ना, तो इनको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन आइसो हाइट कहलाएगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एनुअल रेनफॉल और मीन एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल का मतलब होता है पूरे साल भर, यानी कि 12 मंथ्स, 12 मंथ्स हुए ना साल भर में, तो इस 12 मंथ्स में जितना रेनफॉल हुआ उसको ऐड कर दीजिए। सिंपली जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना रेनफॉल हुआ उसको ऐड कर दीजिए। जनवरी में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर रेनफॉल, फरवरी में 3 सेंटीमीटर, उसके बाद मार्च में 4, अप्रैल में 5, तो जनवरी से लेके जितना दिसंबर तक जितना जिस जिस महीने में जितना जितना रेनफॉल हुआ उसको ऐड कर दीजिए, दिस इज द एनुअल रेनफॉल। जब हम मीन एनुअल रेनफॉल निकालते हैं, मीन मतलब एवरेज, तब इस एनुअल रेनफॉल को हम डिवाइड करते हैं 35 ईयर से, क्योंकि हम मिनिमम 35 ईयर्स क्लाइमेट के लिए कंसिडर करते हैं, इसलिए मिनिमम हमें 35 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो एनुअल रेनफॉल आता है। एनुअल रेनफॉल कितना है, एक साल का नहीं, 35 साल का, तभी तो एवरेज कैसे निकालता है। जब हम कहते हैं कि 3 टर्म्स का एवरेज निकालिए, एक है 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, इन तीनों टर्म्स को आप जोड़ते हैं, उसके बाद आप 3 से डिवाइड करते हैं, तभी तो एवरेज हमें निकलता है ना। तो इसी तरह हम 35 ईयर्स का अगर निकालेंगे, तो 35 ईयर्स तक जितना एनुअल रेनफॉल हुआ है, पहले साल का एनुअल रेनफॉल, दूसरे साल का एनुअल रेनफॉल, तीसरे साल का एनुअल रेनफॉल, इस तरीके से 35 ईयर्स तक के ऐड कर दीजिए, उनको 35 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज द मीन एनुअल रेनफॉल। ओके, उसके बाद आते हैं प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है बैरोमीटर। ठीक, एक यहाँ पर एक और बैरोमीटर को यूज होता है, एनुराइड बैरोमीटर। ये यूज क्यों होता है, ये जो बैरोमीटर होता है ना, इसमें क्या होती है, मरकरी होती है, और मरकरी जो होती है ये आपको एग्जैक्ट जो एक आप कहते हैं ना एक्चुअल जो ये स्टैटिक्स होता है, ये आपको रूम टेम्परेचर पर ही मिलेगा। आप आउटसाइड द रूम जब आप इस बैरोमीटर का यूज करेंगे प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो ये आपको एक्यूरेट डेटा नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये बैरोमीटर पोर्टेबल भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एनुराइड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इस एनुराइड बैरोमीटर का यूज किया जाता है, जब आउटसाइड आप होम जा रहे हैं या फिर पोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो आप इस तरीके के बैरोमीटर की यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ आइसो हेट हुआ करते थे, यहाँ पर आइसो बार हुआ करता है, तो जैसे इक्वल रेनफॉल वाला एरिया, वैसे ही यहाँ पर इक्वल प्रेशर वाला एरिया। ठीक है, अगर इस एरिया में 10 मिलीबार प्रेशर है और यहाँ पर 10 मिलीबार प्रेशर है, तो इन दोनों को मिलाने वाला एरिया क्या, ये लाइन क्या कहलाएगा, आइसोबार। सेम प्रेशर एरिया वाले मिलाने वाले लाइन को हम आइसोबार कहेंगे। इसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मली सभी जानते हैं, थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। यहाँ पर दो आपको यूनिट मिलेंगे, एक डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है इनको, एक फारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है शेड टेम्परेचर का, शेड SHADE, शेड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता है एयर का, जब हम एयर के टेम्परेचर की बात करते हैं तब उसको कहा जाता है शेड टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर एक और ड्यूरनल टेम्परेचर और एक एनुअल टेम्परेचर। ड्यूरनल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक दिन में, जैसे आज का दिन में जो हॉटेस्ट यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और आज ही के दिन जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, एक दिन में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस जो क्या कहलाएगा, ड्यूरनल टेम्परेचर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अक्टूबर फाइव मान लीजिए दिन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, रात में मिनिमम टेम्परेचर होगा ना, तो रात में मान लीजिए 20 डिग्री है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 25 और 20 का डिफरेंस 5 डिग्री, दिस 5 इज द ड्यूरनल टेम्परेचर ऑफ टुडे, 5 अक्टूबर आज का दिन। इसके बाद एनुअल टेम्परेचर होता है, एनुअल टेम्परेचर साल में जो सबसे हॉटेस्ट मंथ होगा और जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा उसका टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एनुअल टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक, अब के पास इसके बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में जितना वाटर मिक्स होता है, ठीक है, द प्रेजेंट कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इट इज कॉल्ड
ह्यूमिडिटी। तो वाटर एयर में कैसे होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहेंगे। इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो इनमें सबसे जो रिलायबल मेथड होता है वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने का। इसको परसेंटेज में निकाला जाता है। ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइड बाई कैपेसिटी ऑफ एयर, ठीक है। मान लीजिए कैपेसिटी एक एयर की क्या वाटर वेपर को होल्ड करने की 10 है, लेकिन अगर ये सिर्फ 5, अगर मान लीजिए ये एयर सिर्फ 5 होल्ड किए हुए हैं लेकिन इसकी कैपेसिटी 10 है, तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुआ, 50% हुआ। यानी कि इसकी जितनी कैपेसिटी है उससे आधा ही होल्ड किया हुआ है। हाँ, तो 5 क्या हुआ, जितना इसमें मौजूद है वाटर वेपर, और 10 क्या हुआ कि इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज हम निकालते हैं। और जिस टेम्परेचर पर कोई भी एयर, यानी कि ये कह लीजिए कि जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% होने का ये मतलब है कि अब एयर उससे ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि 10/10 इसकी कैपेसिटी भी 10 है और इसने होल्ड भी 10 किया है, अब इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो दिस इज क्या है, ये 100% है ना। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तब हम एयर को कहते हैं कि अब एयर क्या हो रही है, हो गई है सेचुरेटेड, हो गई है सेचुरेट हो गई, इसके आगे अब वो वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती। और जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट। और इसी ड्यू पॉइंट पर क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब विंड, यहाँ पे ज्यादा अब जानते हैं ना कि कैसे विंड भी क्या करता है कि टेम्परेचर को वैरी करने में मदद करता है। तो भी क्लाइमेट का भी एक एलिमेंट है। हाँ, तो एक यहाँ पर दो चीजें हैं कि विंड डायरेक्शन, एक विंड स्पीड। तो विंड डायरेक्शन को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं हम वेव वेन, और विंड स्पीड को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं हम एनेमोमीटर, ओके। इसके बाद सन, यानी कि सनलाइट। यहाँ पर दो चीजें हैं, सन डायल एंड आइसोहेल्स। आइसोहेल्स जैसे कि आइसोहेट या फिर आइसोबार हुआ करते थे इधर, उसी तरह यहाँ पर आइसोहेल है। सन डायल का मतलब होता है सन साइन ड्यूरेशन रिकॉर्डेड बाय इट। सन डायल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये रिकॉर्ड करता है सन साइन ड्यूरेशन को। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आप न्यूज में देखते होंगे कि आज का क्लाइमेट वेदर, ये क्लाइमेट कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, तो उसमें बताया जाता है कि 5:30 या फिर प्लान या फिर कुछ भी ऐसा कि इतने बजे सनराइज होगा और इतने बजे सनसेट होगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या होगा कि इतने बीच का ड्यूरेशन जो क्या होगा, ये सन साइन का ड्यूरेशन होगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सन साइन के ड्यूरेशन को मेजर करता है। उसके बाद आइसोहेल्स। आइसोहेल्स क्या है, ये जो सन साइन का ड्यूरेशन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 घंटे सनसाइन, इस लोकेशन पर भी 5 घंटे सनसाइन, तो इन दोनों रीजन्स पर, इन दोनों लोकेशंस पर जहां पर इक्वल सनसाइन होता है, तो इन दोनों लोकेशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो कहलाएगा आइसोहेल्स, ठीक है। 6 हुआ। इसके बाद क्लाउड्स है। क्लाउड्स में बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं, वो एक्चुअली सब फैक्चुअल डिटेल्स है, मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा आपको, ठीक है, ठीक है। 7th है क्लाउड। तो क्लाउड में मेनली 4 तरीके का है, एक हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स, लो क्लाउड्स और वर्टिकल एक्सटेंट वाले क्लाउड जो होते हैं वो होते हैं। हाई क्लाउड्स में जो मेनली सीरियस क्लाउड होते हैं, यहाँ पर ये फिदरी होते हैं, फिदर की तरह इस तरीके जो होते हैं ना, जैसे पंख होते हैं पक्षियों के, बर्ड्स के जो फिदर होते हैं, इस तरीके से ये आपको देखेंगे। हाइट ये 20,000 to 40,000 फीट ये ऊपर मिलते हैं, मेनली सीरस क्लाउड होते हैं। इनमें भी 3 टाइप है, एक सीरस, शिरो, क्यूमुलस एंड सीरो स्ट्रेटस, फाइबरस, फाइबर टाइप के ये इस तरीके से ही होते हैं। फेयर वेदर होता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वैदरिक डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा, सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से आएगा।
सीरो क्यूमुलस, ये व्हाइट, ये ग्लोबल मास की तरह होते हैं, ये ग्लोबुलर मास की तरह होते हैं, और व्हाइट ये भी होते हैं, यानी ये दो देखिए, ये जो होते हैं ना क्लाउड्स, ये हाई क्लाउड्स, इसमें सनलाइट बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये रेन बेयरिंग क्लाउड्स नहीं होते। उसके बाद सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ये व्हाइट सीट की तरीके से देखते हैं, और इसकी वजह से जो आकाश होता है बिल्कुल मिल्की दिखाई देता है। कभी कभी आपने इस तरीके क्लाउड आपको मिलनी शाम में दिखाई देते हैं, शाम में देखिए तो कभी कभी होता है ना आकाश पूरी तरह व्हाइट क्लाउड से एकदम छिप सा जाता है, जो ब्लू स्काई होती है वो छिप जाती है, और सिर्फ आपको व्हाइट क्लाउड ही दिखाई देगा एकदम शीट की तरह। तो ये होते हैं सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। देखिए बुक्स में फिगर्स दिए हुए हैं, मैं अगर यहाँ फिगर्स बनाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नेचुरल फिगर्स होते हैं ना, ये क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा बेहतर होते हैं। तो बुक्स में नेचुरल क्लाउड्स को पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप उनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मीडियम क्लाउड जो 7000 से 20,000 फीट के बीच में होते हैं, इसमें मेनली ऑल्टो क्लाउड्स होते हैं, तो इनका दो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रेटस। ऑल्टो क्यूमुलस जो होते हैं लेयर्स में होते हैं, लेयर्स का मतलब ये होता है एक लेयर ये, इसके ऊपर एक लेयर है, इस तरीके से एक लेयर ये, तो ये लेयर्स में होते हैं ऑल्टो क्यूमुलस। ये भी क्या है, फाइन वेदर होता है, सनलाइट अच्छे से आती है, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऑल्टो स्ट्रेटस ये डेंसर होते हैं, ठीक है, ऐसे डेंस काफी एक कुछ होते हैं, कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं, एक पैच यहाँ मिलेगा, एक पैच यहाँ, एक पैच यहाँ, ऐसे ऐसे बिखरे हुए होते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता, ये एकदम डेंसर होते हैं, ऐसे एक सेम एक ही पैच काफी ज्यादा एक्सटेंट तक आप देखने को मिलेगा। ग्रेस कलर में देखेंगे, ग्रे कलर में। उसके बाद लो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स जो होते हैं ये मेनली रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, जो लेस देन 7000 फीट के हाइट पर होते हैं। इसमें एक है स्ट्रेटो क्यूमुलस स्ट्रेटस एंड निम्बो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्यूमुलस जो होता है रफ होता है और वेव्स की तरह होती है, ये दिस वन लाइक दिस, ठीक है, ये वेव्स की तरह होती है। स्ट्रेटस ये ग्रे कलर का होता है और लाइट ड्रिजल यहाँ पर होगा, ग्रे कलर का होता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है यहाँ पर, दिस इज लाइट ड्रिजल। इसमें निम्बो स्ट्रेटस को ही हम कहते हैं रेन क्लाउड्स, ये काफी वर्षा कराने वाली, जो ब्लैक एकदम दिखती है ना, जैसे बरसात के दिनों में या फिर जब भी बारिश होता होगा तो एकदम अंधेरा छा जाता है ब्लैक क्लाउड्स की वजह से, ये क्लाउड जो होती है ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होती है। इसके अलावा ये तो हॉरिजॉन्टली हमने देखा कि एक नीचे वाला, एक मीडियम, एक ऊपर, अब ये होता नहीं, वर्टिकल होते हैं, इस तरीके से होते हैं वर्टिकल क्लाउड्स। एक क्यूमुलस है, एक क्यूमुलोनिम्बस है। क्यूमुलस राउंडेड टॉप, टॉप पर राउंड जैसा होगा, और बेस जो होगा ना इनका हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये बेस हो गया इनका और इस तरीके से राउंडेड टॉप होता है, और जो ये बेस होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ये मिल लिए आपको ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, यहाँ पर भी फेयर वेदर होगा। उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस जो 2000 टू 30,000 फीट की हाइट तक मिलते हैं, ये कॉलीफ्लावर की शेप के होते हैं। कॉलीफ्लावर का मतलब जैसे आपने गोभी होती है ना, वो किस तरीके से होती है, वो इसे लगभग इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ये गोभी होती है, ऐसी होता है ना, हाँ, तो इसी आपको शेप के कॉलीफ्लावर की शेप का ये देखने को मिलेगा। वर्टिकल एक्सटेंट होता है ना, ये जो ग्राउंड के पास होगा, ये ऊपर जैसे जैसे जाइएगा तो इसका एक्सटेंट और बड़ा होता जाएगा। ये थंडर क्लाउड्स होते हैं, आंधी तूफान के साथ जो बारिश आती है ना, ये इन्हीं की वजह से आती है, क्यूमुलोनिम्बस। इसके बाद एट, इसमें कुछ ये भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि हेज हुआ, मिस्ट, फॉग। हेज में क्या क्या होता है कि डस्ट और स्मोक के आसपास जो कंडेंसेशन होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, काफी डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, स्मोक हो जाते हैं, तो वहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट वाटर क्या होता है, कंडेंसेट हो जाता है, ये क्या कर, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हाइग्रोन्यूक्लिक पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो इस तरीके से हेज बनता है। यहाँ पर विजिबिलिटी आपको करीब 1.25 माइल से भी कम हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, लो ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद मिस्ट होता है, ये क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉर्मिंग क्लाउड्स एट ग्राउंड लेवल,
ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विजिबिलिटी आपको करीब 1000 मीटर तक देखने को मिलेगी। उसके बाद होता है फॉग। फॉग जानते हैं ना, इसे किसे कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे बनता है, ठंडे के दिनों में फॉग बनता है ना, जिसको कोहरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड के कोल्ड होने की वजह से बनता है। जब ग्राउंड कोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर वाली एयर क्या होती है, वो गर्म होती है। तो गर्म होने की वजह से जब वो ठंडी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आती है तो वहां पर कंडेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको ग्राउंड क्लाउड भी कहा जाता है। ये कई तरीके होते हैं, स्मॉग होते हैं, फॉग ही स्मॉग होते हैं। ये जब फॉग के साथ स्मोक मिल जाते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल एरियाज में जो पार्टिकल स्मोक निकलते हैं ना, धुएं निकलते हैं, उस स्मोक के साथ ये फॉग मिल जाती है तो स्मोक बनाती है। दिल्ली में बहुत फेमस है ये। ठीक है, और कोई भी जो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल रिच एरिया होते हैं, वहां पर आपको स्मोक देखने को मिलेगा। एक रेडिएशन फॉग होता है। रेडिएशन फॉग का मतलब ये होता है, मान ये ज्यादा आपको टेम्परेट रीजन में मिलेगा। तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि जो दिन होता है वो थोड़ा सा गर्म होगा और रातें जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो जब रातें ठंडी हो जाती हैं तो अब ग्राउंड क्या हुआ, ये ठंडा हो गया, लेकिन इसके ऊपर का एयर जो होता है वो थोड़ा बहुत गर्म रहता है। ठीक है, तो ये रेडिएशन होता है ना। अब रेडिएशन रात में, देखिए दिन में क्या होता है, अर्थ रिसीव करता है ना, तो लो वेव रेडिएशन जिसको कहते हैं, और वही रात में क्या करता है, अब अर्थ अपनी एनर्जी को छोड़ता है, जिसको हाई वेव रेडिएशन कहा जाता है। तो ये रेडिएशन जब छोड़ता है तो ऊपर वाली एयर क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, वहां पर कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कूलिंग ऑफ लैंड इन नाइट, खास करके ये टेम्परेट रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सी फॉग होता है। सी फॉग बनता है जहां पर कोल्ड करंट और एक क्या होती है, वार्म करंट, ये दोनों जिस जगह पर आगे मिलते हैं वहां पर ये फॉग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी कोई मूवी देखी होगी, खास करके हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे सी के ऊपर धुएं दिखाई दिए जाते हैं, या फिर आपने कुछ मूवी देखी होगी, अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें सी के ऊपर धुएं दिखाए जाते हैं। वो धुएं बनते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट के मिलने की वजह से, वहां पर कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से ये मिलते हैं। ये काफी फेमस है न्यूफाउंडलैंड में। न्यूफाउंडलैंड जहाँ पर ग्रैंड बैंक है, जहाँ पर फिशरीज होती काफी फेमस है, वहां पर इस तरीके का आपको फॉग देखने को मिलेगा। इस फॉग की वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इधर जो शिप के साथ, जहाज के साथ खड़ा है उसको पता नहीं चले कि सामने वाले से सामने से कोई जहाज आ रही है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इस रीजन में। ठीक है, सी में। तो इस तरीके से वेदर ऑफ दिस चैप्टर ये खत्म हुआ। आप फिगर्स जाके देखिएगा, क्लाउड्स के जो फिगर बनाए हुए बुक में देखिएगा। ठीक है, बाकी इससे पहले जो भी हमने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जिनसे मेजर किए हुआ करते थे, उनके प्रोसेसेस को अगर जानना है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और आपको उससे कुछ PhD टाइप की कुछ चीज करनी है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। ठीक है, अब उतनी मुझे चीज आती नहीं है और मैंने आपको पढ़ाना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि आपके काम करनी है। ठीक है, बाकी अब इसके बाद मिलेंगे 14 चैप्टर में, जो भी चैप्टर होगा। ठीक है, तब तक के बेस्ट ऑफ लक।